गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हम नया अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो क्या है? बजट। आज हम बजट का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे कि बजट क्या है। बजट क्या है? प्रत्येक परिवार अपनी आय से क्या है असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करके अधिकतम क्या है संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। वो क्या करता है कि वो चाहता है कि मेरे पास उसकी आय तो सीमित होती है, लेकिन वो क्या करता है उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करना चाहता है उन सबकी क्या पूर्ति करना चाहता है कि मेरी जो भी आवश्यकताएँ हैं असीमित यानी बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, तो उनको वो प्राप्त करना चाहता है। परंतु उसे अधिकतम संतुष्टि तभी मिल पाएगी जब वह अपनी आय को क्या है योजनाबद्ध तरीके से व्यय करेगा, यानी उसका इन्वेस्टमेंट है, उसको जो खर्च है अगर वो योजना बनाकर करता है तो वो क्या है उससे अधिकतम क्या है संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे पारिवारिक बजट बनाना पड़ता है। बजट का पूर्वानुमान क्या है नहीं लगने से प्राय अनावश्यक मदों पर अधिक खर्च हो जाता है। अगर हम बाजार जाते हैं, अगर हम लिस्ट बना के नहीं लेके जाते कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, इसमें से मुझे नेसेसरी क्या है, मेरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है उनको मुझे खरीदना है, अगर हम लिस्ट नहीं बना के लेके जाते, पैसे का एस्टिमेट नहीं लगा के लेके जाते, तो क्या है वहाँ जाकर हम अनावश्यक चीज़ें खरीद लेते हैं जिससे हमारा बजट बिगड़ जाता है। तो क्या है जो हमें कई बार नहीं चाहिए उन चीज़ों पर हम क्या कर देते हैं आवश्यकता से अधिक खर्च कर देते हैं। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि पारिवारिक बजट बनाया जाए। पारिवारिक बजट में एक निश्चित अवधि यानी महीना या वर्ष में आय व्यय का पूर्ण ब्यौरा होता है। दूसरे शब्दों में पारिवारिक बजट से आशय है एक परिवार का एक निश्चित अवधि में अपनी आय का विस्तृत विवरण तैयार करना। और क्या कह सकते हैं, उससे भी सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बजट आय व्यय का संतुलन होता है जिसमें कुछ राशि भविष्य के लिए भी बचाकर रखी जाती है ताकि दीर्घकालीन लक्ष्यों के साथ ही आकस्मिक आवश्यकताओं, गंभीर बीमारियों, दुर्घटनाओं, उच्च शिक्षा, शादी विवाह आदि अवसरों पर उसे खर्च किया जा सके। बजट बना लेने से घरेलू खर्च में मितव्ययता आती है, यानी उसमें हमें बचाव हो जाता है, हम खर्चों पर कंट्रोल कर पाते हैं, अनावश्यक खर्चों पर क्या लग जाती है रोक लग जाती है। तो बजट की क्या है परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषा दी है उसके अनुसार पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों को सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। फिर उसने यानी पारिवारिक बजट असावधानीपूर्वक अव्यवस्थित रूप से खर्च करने के तरीके के स्थान पर योजनाबद्ध विवेकपूर्ण व्यय को क्या है प्रतिस्थापित करने का तरीका है। क्रेग एवं रश के शब्दों में दूसरी जो है वो क्या है कि बजट भूत के व्यय भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। क्या कहा है बजट भूत के व्यय भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान के समय के मदों पर निश्चित व्यय का क्या है लेखा जोखा है। महेंद्र के
मान के अनुसार। महेंद्र के मान के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है, बजट के क्या परिभाषा दी है, इन्होंने दी है पारिवारिक बजट भूतकाल के खर्चों का एक विवरण है जिसमें भविष्य के खर्चों और वितरण का ब्यौरा होता है, जो विभिन्न समूह में विभिन्न कार्यों पर क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि पारिवारिक बजट भूतकाल के खर्चों का एक विवरण है जिसमें भविष्य के खर्चों और विवरण का ब्यौरा रहता है, जो भविष्य विभिन्न समयों में विभिन्न कार्यों पर क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर एक कंक्लूजन निकला है, जो निष्कर्ष निकला है वो यह है कि किसी परिवार की एक निश्चित अवधि में होने वाली आय और व्यय के विस्तृत विवरण को क्या कहते हैं, पारिवारिक बजट कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, किसी परिवार के एक निश्चित अवधि के लिए उसके आय व्यय को निर्धारित एवं व्यवस्थित रूप से कागज कॉपी रजिस्टर पर अंकित कर या लिख कर देना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। यह अवधि एक माह की भी हो सकती है, 6 माह की भी हो सकती है और एक वर्ष के लिए भी हो सकती है। बजट में यह अंकित होता है, यह मेंशन होता है कि आय कितनी है तथा इस आय को किन किन मदों पर किस प्रकार से क्या करना है, खर्च करना है, ये सारी चीज़ें क्या है बजट के अंदर लिखी होती है। अब हम बात करते हैं कि बजट बनाने के लिए क्या है, इसके लाभ क्या है, बजट बनाने से क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें अनावश्यक खर्च को हटाने में सहायक, इसके लाभ क्या है, अनावश्यक खर्च को हटाने में सहायक होते हैं। अनावश्यक खर्चों को हटाने में सहायक, यानी बजट अनावश्यक एवं व्यर्थ के जो खर्चे होते हैं उनको रोकने में क्या होता है, सहायक होता है। बजट के सूक्ष्म अध्ययन से यह पता चल जाता है किस किस मद पर अधिक खर्च करना है और वह मद कम महत्वपूर्ण है या अनावश्यक है, तो इस उसमें कटौती करके धन को बचा लिया जाता है। यानी जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस मद पर हमें खर्च करना ठीक रहता है, और जो हमारे लिए अनावश्यक है, जिसकी हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, उस मद पर खर्च न करके हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं उसकी। दूसरी है आय की सीमा में रहने में सहायक, पास इनकम कितनी है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, खर्च कर लेते हैं। अगर हम बजट नहीं बनाते हैं कि मेरे पास आय कितनी है, हम उसका एस्टिमेट में भी मेरे पास क्या है, चाहे मैं मान लो आप मंथली आपके इनकम आती है, सैलरी आती है, तो क्या है आपको पता है कि फिक्स है कितनी आएगी, लेकिन कई बार क्या होता है जो डेली वेजेस पे है, मजदूरी करता है, तो उसके लिए क्या है कई बार मजदूरी आ भी जाती है, कई बार नहीं आती, तो उसके लिए क्या है बजट आवश्यक हो जाता है कि क्या है मेरे पास क्या है वो कैलकुलेशन लेके चलता है कि मेरे पास इतना आमदनी हो सकती है और मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इतने ऐसे ऐसे खर्च कर सकता हूँ। तो अगर वो उसको बनाकर चलता है तो उसमें क्या है आय की सीमा में रहकर क्या कर सकता है, वो खर्चों को कर सकता है। अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर बजट नहीं बनाएगा तो क्या है उसका खर्चा अधिक हो जाता है। फिर इसमें एक लाभ है, बचत की आदत,
बजट बचत करने की क्या है आदत हो जाती है। परिवार की उन्नति एवं उज्जवल भविष्य के लिए क्या है बचत करना आवश्यक होता है। वही परिवार आकस्मिक दुर्घटनाओं एवं मुसीबत के समय क्या है धैर्यवान बनकर कठिनाइयों को झेलना का साहस करता है, जिससे उसकी आर्थिक बचत की हो। दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु भी बचत करना जरूरी होता है, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना, मकान दुकान जमीन खरीदना, मकान बनवाना, घर के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर सभी कार्यों को करना, शादी विवाह आदि। तो यदि परिवार के ने भविष्य के लिए बचत नहीं की है तो वह आकस्मिक दुर्घटनाओं के वक्त अंदर से क्या हो जाता है टूट जाता है। उसे नाते रिश्तेदार साहूकारों आदि से ऊंची ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है। उसे क्या है आखिरकार वह ऋण के बोझ से दब जाता है। उसके लिए आनंदमय एवं सुखमय जीवन जीना क्या हो जाता है दुर्लभ हो जाता है। अतः बजट परिवार को सुनहरे भविष्य के लिए बचत करने की आदत डालने हेतु क्या है प्रेरित करता है। ऋण के भार से मुक्त रहना अगला जो है हमारा अपने भविष्य के लिए क्या है बचाकर चलते हैं तो क्या है इस बचत से वह दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। साथ ही आकस्मिक दुर्घटनाएं और जो भी बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, कोई भी परेशानी आती है तो उस समय पर क्या है उस धन को वो क्या कर सकता है प्रयोग कर सकता है। तो उसे क्या है अगर उसके पास पैसे हैं, उसके पास बचत किए हुए पैसे हैं तो वो क्या है आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका सामना कर लेता है। अगर वो उसके पास नहीं है तो उसे क्या लेना पड़ेगा ऋण लेना पड़ेगा। तो क्या है बचत करके वो क्या है ऋण के जो भार होता है उससे वो क्या हो सकता है बच जाता है। फिर इसमें क्या है विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करने में मदद करना। हम फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो क्या है आवश्यकता वास्तव में परिवार के लिए उपयोगी एवं हितकर हो वही क्या करेंगे हम उसको ऊपर खर्च करेंगे। फिर है धन व्यवस्थापन की शिक्षा प्रदान करना। इससे क्या है अधिकांश व्यक्ति धनोपार्जन के लिए क्या है धन कमाने के लिए क्या है करना तो जानते हैं, मगर धन को किस तरह से कमाना तो सभी जानते हैं लेकिन उसको खर्च कैसे करना है वो क्या है नहीं करते। इसके बारे में क्या होता है उनको समुचित ज्ञान नहीं होता है, मगर क्या है इस कारण खूब कमाने के बावजूद भी उनकी माली हालत क्या हो जाती है दयनीय रहती है। भविष्य के लिए भी वो क्या है पैसा बचाकर नहीं रखते हैं, परंतु बजट बनाने से परिवार के सदस्यों को मितव्ययता एवं संयम की शिक्षा मिलती है। और क्या होता है परिस्थितियों में जो विपरीत परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। परिवार के सदस्य कठिनाइयों के समय धैर्यपूर्वक काम करते हैं, यह अनुभव बजट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या था ये हमारे बजट था कि बजट क्या होता है और उसकी परिभाषाएं और क्या है बजट बनाने से क्या लाभ हमें मिलता है। तो आज के लिए हम
इतना ही करेंगे, बाकी क्या है कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस।